आज जामनगर महानगर में सुबह जो मेरी माटी मेरा देश एवं शहीद स्मारक का जो लोकार्पण था उस कार्यक्रम को लेके आज सुबह से एक वीडियो सारे सोशल मीडिया पे चल रही है। मैं उसी दिशा में एक अपनी तरफ से एक आज जो हुआ उस विषय में एक स्पष्टता आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आज का जो वीडियो था वो वीडियो भारतीय जनता पार्टी एक शिस्तबद्ध पार्टी है, एक पारिवारिक माहौल में पारिवारिक वातावरण में पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ में को एग्जिस्ट करते हैं और सभी एक दूसरे की स्ट्रेंथ है, हम सब एक दूसरे के लिए पूरक है, जहाँ पे सब कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में पार्टी को और मजबूत करते हैं और लोगों को जो पार्टी के उद्देश्य हैं वो सेवा के माध्यम से उन तक पहुँचाते हैं। जो वीडियो आज सुबह से वायरल हो रहा है मुझे लगता है कि कहीं वो मैं मानती हूँ कि बिल्कुल मीडिया के समक्ष जो बात हुई है इस वजह से कहीं उसमें अलग अलग स्टोरीज बन के आ रही है, तो मैं उतना ही अपने माध्यम से बताना चाहती हूँ आपको कि जो वीडियो क्लिप है उससे ज़्यादा इस विषय में और कुछ बात ही नहीं है। एक परिवार में जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कहीं, और मिसअंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्शन होता है, वो उस रिएक्शन के अलावा और कोई बात नहीं है। और मेरी जो वहाँ पे भूमिका थी वो भूमिका मैं समझ ही चुकी थी कि कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहीं थोड़ा ओवर रिएक्शन भी है, तो मेरी जो भूमिका थी वो हमारे जो मेयर है बीनाबेन कोठारी, वो हमारे लिए हमारे सबके बुज़ुर्ग हैं, हम सबके मार्गदर्शक भी हैं और हमारे शहर के प्रथम नागरिक है। इसके अलावा भी पार्टी के काफ़ी सीनियर कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी में बहुत योगदान दिया है, तो मेरी जो भूमिका थी वो भूमिका मेरी बड़ी बहन का एक सम्मान बना रहे और साथ में मेरी छोटी बहन रीवाबा को भी मैं शांत करूं, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार बनी और उन्होंने जो वहाँ पे हल्का सा उनका अधिकार है गुस्सा दिखाना, छोटे हमेशा गुस्सा दिखा सकते हैं, तो मैं उनको भी शांत करूं उस वैसे प्रयत्न मैंने मेरे द्वारा आज सुबह किए गए। तो उसमें इसके अलावा इस विषय में और कोई बात नहीं है, जो भी बातें चल रही है अलग अलग कि इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो बोल दिया, इन्होंने ये इसलिए किया, मुझे लगता है उतना समय ही हमारे पास नहीं था। हमने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद सीधे हमने जो वहाँ पे तख्ती थी उसका अनावरण किया, वो तख्ती का अनावरण करने के बाद हम एक ग्रुप फोटो के लिए जब आगे आए तो जो आधी मिनट में पूरी वारदात हुई है वो वारदात कहीं वीडियो में भी मुझे लगता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर आज सुबह से अलग अलग बात चल रही थी तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी तरफ से एक पुष्टि इस बात को लेके आपके बीच रखूँ कि इसमें जो आप देख सकते हो उसके अलावा और कोई बात नहीं है, वो ऐसी कोई चर्चा नहीं थी, ऐसा कोई विषय नहीं था, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अवश्य हुई है और उस मिसअंडरस्टैंडिंग का जो रिएक्शन है वो हल्का सा देख पा रहे हो, पर जैसे मैंने पहले बताया पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार में सभी एक दूसरे की स्ट्रेंथ है और आने वाले दिनों में उसी तरह से एक परिवार के रूप में ही मजबूती से हम फिर से ऐसे ही अपनी कभी कहीं नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहीं खुशी व्यक्त करते हुए साथ मिलके लोगों को साथ जोड़ के और मजबूती से आगे बढ़ें।